चलिए बच्चे, आज हम लोग क्लास 5 का फिर से नया वीडियो के साथ हम लोग मिल रहे हैं। दिस इज टी चैप्टर 2 को हम लोग कर रहे थे। चैप्टर 2 का नाम है क्लास 5 सिस्टम हाउ टू लोकेट प्लेस ऑन मैप्स। इसमें हम लोग पढ़ लिए थे कलर स्कीम के बारे में, पढ़े थे एटलस के बारे में, पढ़े थे लैंग्वेज ऑफ मैप्स के बारे में, पढ़े थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में, पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज ऑफ मैप में नेक्स्ट है साइन एंड सिंबल्स। साइन एंड सिंबल्स में कुछ नाम दिए हुए हैं, उसके अगर ये सिंबल आप लोग का दिखाया गया है, ये ध्यान से देखिएगा। बाउंड्री इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बाउंड्री अगर आपको मैप में अगर देखना है तो उसका जो साइन रहता है बाबू ये डार्क रहता है, ये देखिएगा डार्क ये किए हुए हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल बाउंड्री का ये साइन है आपका इंटरनेशनल बाउंड्री। उसके बाद बाउंड्री स्टेट, स्टेट बाउंड्री का देखिएगा, अगर आप मैप में देख रहे हो तो स्टेट बाउंड्री जो होगा सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये जो होगा आपका डार्क होगा और ये जो होगा लाइन, ये आपका लाइट लाइन होगा, ठीक है, मतलब हल्के कलर में ये होगा और ये होगा गहरा कलर में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का देखिए बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट अगर आप मैप में देख रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट का जो बाउंड्री आएगा वो आएगा ये डैश 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 डैश, ठीक है। उसके बाद रोड, रोड मेटल के बारे में अगर आप देखिएगा तो ये आपका फिगर है। उसके बाद फुटपाथ का देखिएगा तो ये फिगर है। ये आपका कुछ साइन एंड सिंबल है जो आपको याद करना जरूरी है। इसके बाद और लिखेंगे साइन एंड सिंबल में आते हैं बच्चों रेलवे लाइन के बारे में। रेलवे लाइन रोड गर्स का देखिएगा ये सिंबल होता है, रेलवे लाइन नैरो गर्स का जो होता है ये साइन होता है, रिवर का आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइन है आपका रिवर का। उसके बाद कैपिटल टाउन, कैपिटल टाउन और टाउन में देखिएगा डिफरेंस क्या है, बड़े जो सिटीज होते हैं ठीक है, बड़े सिटीज उसमें अगर आप मैप में देखिएगा तो उसको इस तरह से दिखाएगा, ठीक है, ये साइन आपका रहेगा। टाउन का देखिएगा, टाउन में जो नॉर्मल से सिटीज होते हैं, छोटे छोटे मोटे सिटीज जो होते हैं उनका जो साइन दिखाया हुआ रहता है मैप में वो ये वाला रहता है। तो ये हम लोग सिर्फ आज जाने साइन एंड सिंबल के बारे में। इसके बाद हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ मैप के बारे में, कितने टाइप्स के मैप आप लोगों को क्लास 5 में पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए बच्चों लैंग्वेज ऑफ मैप में हम लोग साइन एंड सिंबल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ मैप, कितने तरह के मैप्स होते हैं और वो मैप्स हमें क्या इंडिकेट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। There are two types of maps जो आप लोगों को क्लास 5 में पढ़ना है। सबसे पहला मैप है पॉलिटिकल मैप और दूसरा है फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल मैप्स shows us boundary cities states। अगर आप इस तरह के मैप्स को पॉलिटिकल मैप्स को अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको दिखाई देगा सिटीज स्टेट्स बाउंड्रीज, जैसे कि आप लोगों को साइन दिया हुआ था बाउंड्रीज स्टेट का सिटी का, आप उसमें स्टेट सिटी और बाउंड्री ढूंढ सकते हैं। उसमें जाकर के आप लैंड फॉर्म नहीं ढूंढ सकते हैं, लो लैंड नहीं ढूंढ सकते हैं, उसमें आप जाकर के माउंटेन नहीं ढूंढ सकते हैं। अगर आपको आपके पास पॉलिटिकल मैप है तो उसमें आप फाइंड कर सकते हैं बाउंड्री खोज सकते हैं, सिटी खोज सकते हैं, स्टेट खोज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिजिकल मैप के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल मैप क्या होता है, फिजिकल मैप शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म। Different kinds of landform का मतलब आप लोग समझ गए होंगे ये वर्ड से। Different kinds of landform, different kinds of landform कहने का मतलब कि lowland, lowland means plain area जहाँ पे farming होता है, cultivation होता है। उसके बाद highland like mountain, valley, river, ये सब जो आप देखेंगे वो आपको physical map में मिलेगा। आप political map में जाकर के highland, lowland like माउंटेन और रिवर जैसे इंफॉर्मेशन को आप पॉलिटिकल मैप में नहीं ले सकते हैं। आपको अगर उस पर उस तरह की इंफॉर्मेशन लेना है तो आपको फिजिकल मैप में जाना होगा, और स्टेट सिटी का अगर इंफॉर्मेशन लेना है आपको मैप से तो आपको पॉलिटिकल मैप में जाना होगा। तो ये आपके चैप्टर 2 खत्म हो चुका है, लास्ट टॉपिक था काइंड्स ऑफ मैप। आपका क्लास 5 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 खत्म हो चुका है। होमवर्क में बच्चों हम आप लोगों को दे रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए काइंड्स ऑफ मैप, आप लोग तैयार कीजिए काइंड्स ऑफ मैप। आप लोगों को हम दे रहे हैं होमवर्क में एक पॉलिटिकल मैप बनाइए इंडिया का। इंडिया का पॉलिटिकल मैप, अगर इंडिया का छोड़िए आप पॉलिटिकल मैप बनाइए बिहार का, ठीक है, बिहार का पॉलिटिकल मैप बनाइए आप। उसमें इंपॉर्टेंट सिटीज पटना,
नालंदा, उसके बाद आप ये करके दिखाइएगा सीतामढ़ी को, सीतामढ़ी तीन ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो आप लोगों को दिखाना है पॉलिटिकल मैप, बिहार के पॉलिटिकल मैप, ठीक है। उसके बाद फिजिकल मैप में आइए, फिजिकल मैप में आप लोगों को बताना है बाबू इंडिया का फिजिकल मैप बनाना है, होमवर्क ध्यान से करिएगा, बिहार का पॉलिटिकल मैप और उसमें ये जो थ्री डिस्ट्रिक्ट है उसको इंडिकेट करना है, और उसके बाद फिजिकल मैप में आप लोगों को इंडिया का फिजिकल मैप बनाना है जिसमें आप लोग को बताना है हाईलैंड को, सिर्फ इंडिकेट करना है हाईलैंड इंडिया में, हाईलैंड लाइक माउंटेन HIGH हाईलैंड कहाँ है, माउंटेन्स छोटे छोटे वैलीज, आप लोग को कलर बताया जा चुका है, आप लोग को किस कलर हाईलैंड किस कलर का होता है, अगर आपको वो चीज नहीं याद है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि हाईलैंड को किस कलर में डिनोट किया जाता है, तो वो बना करके आप लोगों को उस कलर से ड्रॉ भी करना है, और जैसे कि आप लोग मेरे ग्रुप में है तो ग्रुप में आप लोग को आंसर अपना नाम लिख करके डालना भी है, ठीक है। बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास 5 में, नेक्स्ट चैप्टर क्लास चैप्टर 3 में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और होमवर्क जरूर कीजिए, थैंक यू।